Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज का टॉपिक रहने वाला है 2024 में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है। पास्ट से शुरू करेंगे हम, 2023 के ग्राफ को देखेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट 2024। आजकल काफी लोग इसी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी अपनी ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में सिनेरियो। एंड 23 वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर इन्वेस्टर्स, इवन डेवलपर्स के लिए अच्छा रहा है। अच्छे अच्छे डेवलपर्स के प्रोडक्ट फुली सोल्ड हुए एंड पीपल वर हैप्पी। मोस्टली जो एंड यूज के लिए प्रोडक्ट देख रहे थे वो भी कुछ लोग निराश भी हुए हैं कि इतना प्राइजेस क्यों हाई हुआ है। ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है इकोनॉमिक्स में। वी नो दिस कि आपका व्हेनेवर द प्राइजेस गो हाई बिकॉज द डिमांड इज हाई एंड इफ द सप्लाई इज हाई एंड डिमांड इज लो देन द प्राइजेस विल गो डाउन। तो ये हमने देखा है, ये मार्केट में हमने समझा है। तो ऐसी सिनेरियो हमने देखी है पूरे 23 में एंड 23 में हमने जितने भी लॉन्चेस देखे, चाहे अगर हम देखें गोल्फ कोस्ट रोड पे आपके अभी लॉन्च हुए थे, आपके लो राइज फ्लोर्स लॉन्च हुए थे, आई मीन बिल्डर फ्लोर्स, डीएलएफ नहीं करे थे, मेजर प्लेयर है, इन्होंने कुछ 80-90 के करीब अपने बिल्डर फ्लोर्स लाए थे एंड मेजरली एंड यूज के पास किया है, नोबडी वांट टू सेल दैट। फिर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जाते हैं, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी आपका जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं ए लिस्टेड प्लेयर्स के, इवन अगर हम बात करें डीएलएफ से शुरू करें तो डीएलएफ वॉज सोल्ड एंड देन ईमार वॉज सोल्ड, देन आपका कॉन्शेंट हाइंस आया, वो भी सोल्ड आउट हुआ फुल्ली। इवन गोदरेज का प्रोडक्ट भी आपका हमने देखा है, सुबह सुबह लोग वेटिंग फॉर द ईआईस का नंबर कि उनका नंबर लग जाए, उनको इन्वेंट्री मिल जाए। तो दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ गोइंग ऑन। फिर आपका अभी आया डीएलएफ का, अगर हम यहीं की बात करें तो आपका डीएलएफ के अलावा भी बिल्डर्स आए, अनंत राज का इन्वेंट्री है लेकिन चल रहा है मार्केट में, मतलब जितने भी ए लिस्टेड प्लेयर हैं उनका प्रोडक्ट प्रमोशन में लगे हैं, अनंत राज की भी मेजरली इन्वेंट्रीज इज सोल्ड आउट जहां तक कंपनी इज क्लेमिंग। एंड देन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एसपीआर सीपीआर, ये दो लोकेशन पे भी आपके प्रोडक्ट आया, अभी डीएलएफ का आया, इसमें प्राइजेस वॉज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज 17.5 में आपका इन्होंने आर्बर लेकर आए थे एंड ये प्राइजेस वॉज 18 के ऑल इंक्लूसिव कह रहे हैं, बट द थिंग इज यहाँ पे आपका जो प्राइजेस होना चाहिए था, मेरे को ऐसा लग रहा था द प्राइजेस शुड बी 15-16 के बीच में कहीं प्राइजेस होना चाहिए था, विच शुड बी जस्टिफाइड फॉर एवरीबडी, बट इट्स अ मार्केट, मार्केट का सिनेरियो है, मेजर प्लेयर है, उनको ज्यादा पता है मार्केट का, उनको ज्यादा पता है प्राइजेस का, तभी आर्बर का प्राइस अलग लेकर आए थे, कम लेकर आए थे क्योंकि उस टाइम पीपल वर थिंकिंग कि 21-22 हज़ार रुपए में प्राइजेस आएगा, लेकिन नहीं आया था, 17.5 में आया था, तो दे नो वॉट दे आर डूइंग। फिर हम 79 सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे गोदरेज का आया था, मैप्रो के प्रोडक्ट आए थे, M3M के कुछ प्रोडक्ट्स आए थे, M3M स्मार्ट वर्ल्ड के आपके इवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में भी प्रोडक्ट आया, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल भी आया, आपका रेजिडेंशियल स्मार्ट वर्ल्ड का आया, उसमें भी मेजर इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है। हालांकि ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है बिकॉज पीपल वर थिंकिंग डेवलपर को जेल हुई है या बेल नहीं मिल रही है, कुछ केसेस भी हुए थे, तो उस वजह से काफी मार्केट का सेंटिमेंट्स भी खराब हुआ था 2023 में, अभी जो पूरा M3M की वजह से, बिकॉज दे वर डूइंग मैसिव डेवलपमेंट, चाहे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो या 79 सेक्टर की बात करें, नोएडा की साइड पे भी दे आर वर्किंग ऑन, मतलब ये डेवलपर फुल ऑल इन खेल रहा था। फिर सिनेरियो हमने देखा कि ईडी की रेड पड़ रही थी, वो हर एक पे पड़ी, इन पे भी पड़ी। फिर अगर हम 79 से अगर हम आगे चलते हैं तो न्यू गुड़गांव की बात करते हैं, न्यू गुड़गांव और 80 सेक्टर की भी बात करेंगे क्योंकि ये एक मेजर पार्ट प्ले करने वाला है, क्योंकि ये पूरा डेवलप अभी कुछ भी नहीं हुआ है डेवलपमेंट में, इधर शोभा की भी लैंड आ गई है, कॉन्शेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अप देयर प्रोजेक्ट, कॉन्शेंट भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है, और जैसे जैसे आपका सीपीआर एसपीआर आपका क्लोवर लीफ की कनेक्टिविटी जितनी जितनी रिफाइन हो रही है, खुल रही है एंड द्वारका एक्सप्रेस वे की, उतना ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस हो रहा है कि इस एरिया में दे कैन शिफ्ट। इवन न्यू गुड़गांव में भी पीपल वर थिंकिंग कि हम अल्टीमा से आप पीछे नहीं जाएंगे, बहुत दूर है, मानेसर की साइड है, बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी एंड आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट देयर एंड ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली भी आपका न्यू गुड़गांव अगर हम देखें तो। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो आपके काफी प्रोजेक्ट आए थे गंगा रियलिटी के बाद, एसएस के प्रोडक्ट्स आए, गंगा रियलिटी इज आल्सो क्लेमिंग इनकी जो पहला फेज है फुल्ली सोल्ड, इसमें आपका बड़े साइजेस आए थे, इनका प्रोजेक्ट काफी यूनिक रहा गंगा रियलिटी का, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इनका प्रोजेक्ट काफी यूनिक रहा गंगा रियलिटी का। न्यू गुड़गांव में रहा अभी आया, इससे पहले दे हैव वर्क विद अफोर्डेबल, इससे पहले मैं पीछे जाना चाहूंगा आपका एसपीआर पे पिरामिड का भी आया था, द प्रोडक्ट इज फुल्ली सोल्ड, लोगों ने काफी ज्यादा एम्ब्रेस करा इस प्रोडक्ट का, पहला प्रोडक्ट था इनका पिरामिड का, गंगा रियलिटी ने टाइप्स अच्छे करे, पिरामिड ने इतने ज्यादा वाइड रेंज में टाइप्स नहीं करे, गौरी खां को भी लेकर आए तब जाकर इनका प्रोडक्ट वॉज ऑन द लाइमलाइट।
फिर अगर हम और आगे जाएंगे तो आशा का नया फेज आया, फिर डीएलएफ का आपका नया फेज आया, डीएलएफ का आपका दीनदयाल जन आवास योजना के जो आपका नया फेज आया था फुली सोल्ड। प्रीवियसली पीपल वर थिंकिंग कि दूर है तो इनका इन्वेंट्री सोल्ड होने में काफी दिन लगे थे, इस बार जल्दी बिक गया था मतलब, और उससे भी पहले मतलब जब पहला फेज आया था तो थोड़ा ज्यादा समय लगा था, फिर थोड़ा कम, फिर उससे भी कम। ऐसे ही आशियाना का भी प्रोडक्ट आया दैट वॉज कम्प्लीटली सोल्ड इन लाइक फ्यू डेज। तो ये सिनेरियो चला कि प्रोडक्ट आ रहे हैं हाई राइजेज, चाहे दीनदयाल अच्छे डेवलपर के, एंड पीपल वर शोइंग इंटरेस्ट, इन्वेस्टर वर शोइंग इंटरेस्ट। आशियाना का भी प्रोडक्ट फुली सोल्ड था, एंड यूज के पास मेजरली गया, इन्वेस्टर्स वर नॉट गोइंग बिकॉज वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे कि जल्दी एग्जिट करेंगे। आशियाना का जो ये प्रोडक्ट आया था ये किट सेंट्रिक था आपका, लगभग 20 एकड़ के अंदर मिड राइज फ्लोर्स बना रहे थे जिसमें किट सेंट्रिक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। इनका नया फेज आ रहा है, इसका भी प्राइजेस अप्रिशिएट हुए फेज वाइज, बट आप 3 साल के बाद ही बेच सकते हैं, ये कंपनी के नॉर्म्स है। तो अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले हम सीपीआर की बात करते हैं। सीपीआर में आपका 36 सेक्टर में आया था रसूमी का आपके स्टूडियो अपार्टमेंट विच वॉज फुली सोल्ड। अभी दे आर प्लानिंग इनका नया फेज, 40 एकर्स के आसपास इनका डेवलपमेंट है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम सिनेरियो देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। शोभा के बारे में बात करते हैं। शोभा का आपका विस्टा टावर आया था 4 BHK का विच इज फुली सोल्ड। हाईली डिमांड में रहा था शोभा बिकॉज इट्स अ बिग ब्रांड साउथ में, दुबई में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिखाया, नॉर्थ इंडिया में दिस वन वॉज द फर्स्ट वन। अभी इनका कमर्शियल भी आया है हाल फिलहाल में, एंड दैट इज ऑल्सो विल बी अ बेंचमार्क, जहाँ पे कॉन्शेंट वन का आपने देखा होगा कमर्शियल विच इज ओनली लीडिंग कमर्शियल ऑन एक्सप्रेसवे, उधर ही आपका थोड़ा आगे जाकर शोभा की तरफ ब्रिंगिंग अप दिस प्रोडक्ट आपका 75 मीटर और 60 मीटर की रोड पे, तो प्रोडक्ट इज गुड अगर कमर्शियल की बात भी करी जाए तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। एमआरजी वालों का प्रोडक्ट आया था, लो राइज फ्लोर्स आए थे दीनदयाल जन आवास योजना की। जितने भी अगर हम बात करें दीनदयाल जन आवास योजना, इनके प्रोडक्ट को एप्रिसिएशन भी मिली फेज वाइज, 15-20% 25% तक की एप्रिसिएशन मिली। प्लस दीनदयाल के अलावा अगर हम मिड राइज की भी बात करी जाए तो इनको भी 25-30% की एप्रिसिएशन मिली है 2023 में, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं ए लिस्टेड। फिर अगर हम और भी डेवलपर्स की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो एमआरजी के लो राइज आए थे, इनके भी मेजरली इन्वेंटरी इज सोल्ड आउट। लोकेशन इज गुड बट देयर वाज अ कंप्लेंट, हाई एक्सटेंशन वायर है और भी चीजों की कंप्लेंट थी, बट द लोकेशन स्ट्रेटेजिकली अच्छी है। दीनदयाल अगर कोई रेकमेंड कर रहा है लोकेशन चाहिए क्लोज बाय टू दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, इन अ बजट ऑफ 2 crore में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो M3M का भी प्रोडक्ट आया था M3M 1DXP, 2022 की लॉन्चिंग थी, 2023 में एक्टिवली दे वर सेलिंग, तो इसमें भी मेजरली आपकी इन्वेंट्री इज सोल्ड। बट आई विल रेकमेंड यू कि आप ए लिस्टेड डेवलपर के साथ जाइए जो आपको वक्त पे डिलीवर करे, आपको कोई डिमांड में ईडी रेड या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और कोई प्रोजेक्ट रुके नहीं। रेरा हालांकि आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो करंट सिनेरियो की बात करूं 2024 की मैं अभी, तो 2024 में डोंट लुक फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक ईओआई आपने दे दिया एक प्रोडक्ट के लिए और 20 लाख रुपए का, और आप चाहते हो कि 3 महीने में जब आपका बीबीए आए तो उससे पहले आप सोल्ड आउट कर लो और अब जो भी आपने ईओआई पे करा हुआ है उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे आप यू गोना मेक अप्रिसिएशन। डोंट डू दिस। अगर आपके पॉकेट में पैसा है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो गो फॉर एनी प्रोडक्ट विच इज ए लिस्टेड प्रोडक्ट इन गुड़गांव। मेरे को लगता है 2024 भी सही रहेगा सेंसिबली, आप अगर अच्छे डेवलपमेंट के साथ काम करते हैं तो। मेरा ये टेक रहा है, बहुत लॉन्चेस हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैंने छोड़ भी दिए होंगे, आप कमेंट में बता देना। सिनेरियो करेक्ट रहा है, जितने भी आपके लग्जरी प्रोडक्ट आए सोल्ड आउट हुए, अफोर्डेबल जितने भी आते हैं आपके, चाहे आपके सोना में भी आए सोल्ड आउट होते हैं। 2023 वॉज अ गुड ईयर फॉर रियल इस्टेट। अब 2024 में अपेक्षा करते हैं कि ये ग्राफ सही रहेगा और प्राइसेस डिसेंटली आपके ग्रो करें। इवन इफ एनीबडी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट और बाय एनीथिंग इन गुड़गांव यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। नए साल की शुभकामनाएं, 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। दैट्स इट।